साथ ही मध्य भारत और पश्चिमी भारत में फिलहाल मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई आशंका नजर नहीं आ रही है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित राजस्थान और विदर्भ में दिन काफी गर्म रह सकता है, साथ ही यहाँ पर लू भी चल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में इतना सुबह सुबह कौन आ गया बने हुए हैं। उफ, आज कितनी गर्मी है, लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। आ गई चुड़ैल सुबह सुबह चुगली करने, अब मैं क्या करूं? हाँ, अरे भाभी जी आप इतने दिनों बाद हम कैसे याद आ गए? आपको पता है पड़ोस के शर्मा जी की बेटी स्कूल में फर्स्ट आई है, यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपको भी बता दूं। वैसे हमारी पिंकी का क्या हाल चाल? बस वही पुरानी हड्डी और वही पुरानी खाल। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। ओह आज कितनी गर्मी है ना बहन जी, वैसे आपके घर में एसी नहीं चल रहा है क्या? वो हमारे घर में तो एसी है नहीं भाभी जी, आप बोलिए ना क्या लेंगी, चाय या कॉफी? वैसे तो मैं ग्रीन टी पीती हूँ और आपके घर में ग्रीन टी होगी नहीं शायद। मालकिन वैसे ग्रीन टी का फायदा बहुत है, उसके साथ बिस्किट भी नहीं लगती और मेहमान दोबारा आते भी नहीं। जा दो कप कॉफी ले आ, एक मेरे लिए और एक भाभी जी के लिए, और सुन तू पिएगी तो 3 कप बना लेना, ठीक है? बहन जी बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन आपने अपनी नौकरानी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे नहीं भाभी जी ऐसा कुछ नहीं है। आपको शायद पता नहीं आजकल की बाई चोरी बहुत करती है। अरे नहीं भाभी जी हमारी शांति ऐसी नहीं है, कब पैसे लेके भाग जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको। वैसे तो मैं सलाह ही दे रही थी, बाकी आपकी मर्जी। आपकी ऐसी सलाह तो हमें चाहिए ही नहीं। और रहे चोरी की बात तो शांति हमारे यहाँ 5 साल से है और हमारे घर से एक भी पैसा चोरी नहीं हुआ अभी तक, और अभी आप जा सकते हैं। बहुत बेइज्जती कर ली आपने हमारी शांति की। अरे बहन जी आपने तो कुछ और ही समझ लिया, मैंने बोला ना अब आप जाइए, आपका इनविटेशन देना पड़ेगा। एक बात सोच लीजिए बहन जी, आजकल की नौकरानियां चूल्हे पर रखा दूध की तरह होती है, नजर हटी तो दुर्घटना घटी।